अगर आप भी हर दिन इस तरीके से पानी पीते हो तो आने वाले दिनों में ये आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। मिनरल वाटर के नाम पर ये कंपनी आपको लूट रहा है। अब मरे या बचे, इन कंपनियों को इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करना है। पानी हो या खाना, हर एक चीज जो लोगों को जीवन देता है आज लोग का मौत का कारण बन रहा है। दोस्तों, आज के दिन में आप जो भी खा रहे हो या फिर जो भी पी रहे हो ना, वो बहुत ही सोच समझ कर आपको करना होगा। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं होता बल्कि हर वक्त ऐसा ही होता है कि जब हम कहीं पर बाहर जाते हैं, हमारे पास बोतल नहीं रहता, मतलब पानी की बोतल नहीं रहती या फिर पानी नहीं रहता, तब हम तुरंत ही दुकान से पानी की बोतल खरीद लेते हैं। पर भैया, हम तो इंडिया वाले हैं, प्यार तो हमारे खून में रहता है, खूट खूट के भरा हुआ है, उसको फेंक कैसे सकते हैं? जो पानी का बोतल खत्म हो गया भैया, उसके प्यार में हम पड़ जाते हैं और उसको बैग में भर कर ले आते हैं भैया घर में। और जैसे ही हम उसको घर में ले आते हैं, उसके प्यार में पड़ते हैं भैया, हमें उसका रोज रोज चेहरा देखना बहुत अच्छा लगता है। मानो एक लगाव सा बन जाता है, मतलब मानो जब तक उस बोतल के पानी हम नहीं पीते तब तक हमें चैन भी नहीं मिलता, सुकून भी नहीं मिलता। पर वो कहते हैं ना, ज्यादा लगाव और ज्यादा प्यार लोगों को ले डूबता है। क्या कुछ नहीं समझे? अरे बाबा, चलिए समझाते हैं आपको। दोस्तों, प्लास्टिक बोतल हर जगह इजीली अवेलेबल होता है और आपको हर एक जगह पर देखने को मिलता है। पर क्या आपने कभी भी सोचा है इसका पीछे, प्लास्टिक बोतल्स के पीछे क्या छुपा हुआ होता है? बोतल के पानी के हर एक घूंट के साथ एक्चुअली में आप क्या पी रहे हो? क्या ये प्लास्टिक का पानी या फिर ये प्लास्टिक बोतल आपके लिए एक टाइम बॉम्ब हो सकता है? दोस्तों, बात यह है कि ये जो मिनरल वाटर का बोतल बना होता है ना, वो बहुत ही घटिया लेवल का प्लास्टिक से बना होता है और ये बिल्कुल भी रियूजेबल नहीं होता। प्लास्टिक बोतल से पानी ना पीने का सबसे बड़ा एक कारण है इसके पीछे का हानिकारक रसायन। ज्यादातर प्लास्टिक को बनाने में BPA या पैथलेट जैसे पदार्थ का यूज किया जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये केमिकल तब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है जब ये कॉन्टेक्ट में आते हैं धूप के या गर्मी के। BPA या बिस्फेनल ए एक हार्मोन डिसरप्टर होता है, जो कि आपके शरीर में फ्लो हुआ जो हार्मोन निकलते हैं नेचुरली, उसके प्रभाव को रोक सकता है या फिर उसके फ्लो को कम कर सकता है, जिसमें प्रजनन क्षमता की समस्याएं, वजन बढ़ना या फिर कुछ केसेस में कैंसर जैसे झुकी बढ़ जाता है। और लेकिन मानिए, ये जोखिम लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि ये जो माइक्रो प्लास्टिक होता है, ये आपको खाली आंखों में या फिर आपके जो ओपन आईज है, इससे तो आपको पानी में नहीं दिखाई देगा, पर अगर आप इस पानी को, अगर इस आप बोतल के पानी को रखते हो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स के नीचे, तब आपको पानी में कुछ ऐसा चीज देखने को मिलेगा। ये असल में छोटा छोटा माइक्रो प्लास्टिक होते हैं जो कि बोतल से आते हैं और ये पानी में घुल जाता है। रिसर्च में पता चला है कि ऐसे चीजें एक्चुअली में बोतल बंद पानी में ही देखने को मिलता है। प्लास्टिक के ये टुकड़े आकार में तो छोटे हो सकते हैं, पर इसका प्रभाव आपके शरीर में लंबे टाइम के लिए फैलता है। दोस्तों, कुछ रिसर्च से ये भी कहता है कि ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में दर्द का कारण बनता है और ये हमारे रक्त नालिकाओं में भी एंटर कर सकता है, मतलब रक्त नालिका के साथ भी ये मिल सकता है। और आपको पता है, ये सिर्फ आपके शरीर के ऊपर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस कर रहा है। हर साल लगभग 8 मिलियन टन से भी ज्यादा प्लास्टिक समंदर में जाता है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा प्लास्टिक बोतल का रहता है। ये प्लास्टिक बोतल सैकड़ों सालों से सड़ती नहीं है और हर एक एक्वाटिक प्राणी के लिए या एक्वाटिक एनिमल्स के लिए ये एक खतरा बन जाता है। तो हर बार जब आप एक प्लास्टिक की बोतल खरीदते हो तो हमेशा ये अपने दिमाग में रखना कि आप एक ऐसे साइकिल में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो जो कि आपके शरीर को तो नष्ट कर ही रहा है, उसके साथ साथ ये हमारे एनवायरमेंट को भी बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहा है। और एक बात शायद आपको नहीं पता होगा कि ये जो बोतल बंद पानी होता है, ये एक्चुअली में हमारे टैप वाटर से लगभग 2000 से भी ज्यादा गुना महंगा होता है। आपको पता है, मिट्टी के नीचे का जो पानी होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा साफ होता है एंड नेचुरली वो फिल्टर्ड एंड प्यूरिफाई होता है और इसलिए टैप वाटर का पानी पीने में बिल्कुल साफ होता है। पर इसी पानी को बोतल में भरकर थोड़ा बहुत मिनरल है, इसके नाम पर ना जाने कितने कंपनियां अपने ब्रांड बनाकर इसको बेच रहा है। वो एड तो आपने देखा होगा, हम ऊंट है गाधे नहीं, पर एक्चुअली में हम गाधे ही है। साथ ही साथ इस प्लास्टिक बोतल को जब बनाया जाता है ना, तब इनमें से कार्बन निकलता है, कार्बन एमिशन होता है और ये डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट में मिलता है, जो कि कितना ज्यादा खतरनाक होता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए, ये आप सोच भी नहीं सकते। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इन सबसे एक्चुअली में हम बचे कैसे? दोस्तों, जब भी आप बाहर जाते हो ना, तब अपने साथ कोई भी स्टेनलेस स्टील जो फ्लास्क वगैरह आते हैं उनका बना हुआ, वो अपने साथ कैरी कीजिए। एक बोतल वाटर हमेशा हमेशा अपने साथ रहिए। बाहर का पानी
प्लास्टिक बोतल में जो रहता है वो खरीदने से बचिए। अगर घर में है तो कांच से बने, एल्यूमिनियम से बने या कॉपर का बना हुआ कंटेनर जो होता है वो बहुत ही सेफ होता है और बहुत ही हेल्दी होता है, कि जो कॉपर आयन होता है वो एक्चुअली में पानी में मिलता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो वो आप ज़रूर यूज़ करते हो, ऐसे कंटेनर आप यूज़ कर सकते हो और पानी पी सकते हो। आज के डेट में किसी भी प्लास्टिक से बना हुआ चीज़ों से हमें बचना चाहिए और हमारे हेल्थ के ऊपर नज़र देना चाहिए, क्योंकि आपको कैसे बेहतर रहना है ये आपसे ज़्यादा कोई और नहीं सोच सकता, आपसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए कोई नहीं सोचेगा। बाकी जो कंपनियाँ होता है उन्हें तो सिर्फ अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है, उनसे आपके हेल्थ का कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने प्रोडक्ट में प्रॉफिट आना चाहिए। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए, ऐसे चीजों के बारे में जानते रहिए, पढ़ते रहिए एंड इन्फॉर्मेटिव बनिए, क्योंकि आज के डेट में अगर आप इन्फॉर्मेटिव नहीं बनोगे ना, इन सारी चीजों के ऊपर अगर आप थोड़ा बहुत नहीं जानोगे ना, तो आप बहुत पीछे चले जाओगे। और ऐसे ही हर एक चीजों के बारे में जो अच्छे हैं इनके बारे में हम लोग बात करते रहते हैं इस चैनल पर, और आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेगा जो आपके लाइफ चेंज कर सकता है। आप इन सारे वीडियोस को यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और हमारी फैमिली के साथ जुड़ सकते हो, अपना एक कदम अच्छे और बेहतर दुनिया की तरफ बढ़ा सकते हो। और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, इस फेक दुनिया से बचे, फेक दिखावे से बचे और अच्छे चीजों के लिए अपना वक्त दीजिए, अपने लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।